So friends, this is the another inorganic salt, and the name of this salt is potassium sulfate. पोटाशियम सल्फेट सोल्ट का नाम है ये. इसके कुछ इन्फॉर्मेशन है K2SO4 की. मॉलिकुलर वेट बताया गया 174.25, और ये कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन है. और इसका जो सॉल्ट है कलरलेस क्रिस्टल होगा. ये कलरलेस क्रिस्टल और इसको क्रिस्टलाइन पाउडर, और ये 10% सॉल्यूशन जो है वाटर में क्लियर शो होता है और कलरलेस ही बताएगा. तो फ्रेंड्स इसमें हम चेक करते हैं, और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं इस सैंपल में, इस पाउडर में, इस कंटेनर में. क्लोराइड की इम्प्योरिटी है, आयरन मेटल की है, लीड है, और सोडियम की कुछ परसेंटेज, बहुत ही माइन्यूट माइनर परसेंटेज एग्जिस्ट करती है इम्प्योरिटी के साथ. ओके, और अभी देखते हैं इसमें कि इसमें सॉल्ट कैसे अपियरेंस शो करता है. ओके, सो लेट्स सी. सो फ्रेंड्स ये कंटेनर बॉक्स ओपन कर दिया है, ये देखिएगा वाइट कलर अपियरेंस शो कर रहा है. और मैं इस पाउडर की आपको अपियरेंस अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा. देखो क्रिस्टल की फॉर्म में ये देखिएगा, इसको मैं, ये देखो शाइनिंग शाइनिंग जो आप देख पा रहे हैं ना, क्रिस्टल की फॉर्म में ये सॉल्ट मिलेगा. ओके, चलिए वॉच ग्लास में अच्छे से एक बार फिर से चेक करते हैं, और फिर हम वाटर में इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पानी के अंदर अच्छे से घुलता है या नहीं. सो ये वॉच ग्लास में सॉल्ट को मैंने प्लेस कर दिया, रख दिया है, ये देखिएगा. और सॉल्ट का नाम क्या चल रहा था, पोटाशियम सल्फेट. ओके, पोटाशियम सल्फेट, ये देखिएगा काफ़ी क्रिस्टल जो है शाइनिंग अपियरेंस, लस्ट्रस प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं, ऐसे चमकीली, ये देखिएगा काफ़ी अच्छा लग रहा है. और पोटाशियम सल्फेट का जो कलर हुआ वाइट, या इसको कलरलेस क्रिस्टल बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन पाउडर है, क्रिस्टलाइन पाउडर है. चलिए चेकआउट करते हैं पानी के अंदर इसका बिहेवियर कैसा होता है. सो फ्रेंड्स ये छोटे से एक बीकर में वाटर हमने रख लिया है, ठीक है, ये वाटर है, और ये हमारे पास सॉल्ट, ये रहा. और अभी इसको वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, चलिए चेक करते हैं. ये देखिएगा 10% सॉल्यूशन इन वाटर इज क्लियर एंड कलरलेस. अब ये इसकी सॉल्युबिलिटी बता के रखी है, देखिएगा इसमें लिखा भी है इस बॉक्स में, 10% सॉल्यूशन इन वाटर इज क्लियर एंड कलरलेस. अब ये देखिएगा इसका 10% तो कितना होता है, ये तो हम नहीं मेजर कर पाएंगे यहाँ, लेकिन एक जनरल आइडिया हमें मिल जाएगा. ओके, और अभी इसकी डिसॉल्व विद द हेल्प ऑफ ग्लास रूल हम डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो ग्लास रूल हमने यूज़ कर ली, देखिएगा क्या अपीयरेंस शो होता है. चलो बहुत अच्छे से तो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, और चेक करते हैं इसकी सॉल्वेंटी. इसको अभी फ्लैश लाइट ऑफ कर देते हैं, देखते हैं नॉर्मल लाइट में कैसे शो होता है इस सॉल्ट. ये देखिए कुछ इस तरह से, इट मींस
पूरा सॉल्ट पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो फिलहाल कुछ और वेट करते हैं और स्पीड से हम स्टीरिंग करने जा रहे हैं। शायद कुछ और सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाए, लेकिन अब फिर से इसको चेकआउट करते हैं। सॉल्ट कुछ डिसॉल्व हुआ, ये देखिएगा, आफ्टर 10 मिनट्स के बाद भी सॉल्ट वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब पोटाशियम सल्फेट जो लिखा था कंटेनर में कि 10% वाटर में सॉल्युबिलिटी शो करेगा, ओके, सो इसके बाद जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा, प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो मिल जाएंगे, इसमें पोटाशियम सल्फेट के जो दूसरे फैमिली के सॉल्ट होते हैं हम उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का बिहेवियर वो सॉल्ट दिखाते हैं वाटर के अंदर। Body.